हमारे साथ इस वक्त जो है डॉक्टर शाहिद मुकुल साहब हैं, जो रिसेंटली जो है उन्होंने बहुत बड़ी डिसीजन ले ली एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो बुधरा में एमसीबी इलेक्शन में उतरे और उन्हें लगभग हर वार्ड से जो है अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया और जो एक चुनौती की शक्ल में जो है कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। इससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये सारे वार्ड जो है कांग्रेस जो है बिना किसी हिलो हिजर की ले जाएगी, लेकिन जो ही डॉक्टर शाहिद साहब का जो है नाम आया उस वक्त जो है तमाम कैंपों में जो है खलबल मच गई और आज चूंकि रिजल्ट सामने आया तो चार वार्डों पर जो है डॉक्टर शाहिद साहब जो है भारी पड़े हैं। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त चार वार्ड जो है आपने लिए है और जो है बिल्कुल इस बात एक प्रैक्टिकल था आपको बुधरा में उतरने का? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहली दफा हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमें कामयाबी दी, चार वार्ड में कामयाबी दी। बाकी दो तीन वार्ड में हमारे कैंडिडेट दो तीन वोटों से हार गए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमें कामयाब किया, मुझे कामयाब किया और उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा भद्रवाह के लिए, इसलिए मुझे कामयाबी मिली। और मैं यहाँ के लोगों का, भद्रवाह के बेयूर लोगों का शुक्रिया करता हूं तहे दिल से, जिन्होंने मुझे वोट दिया या जिन्होंने नहीं दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भद्रवाह के लिए कुछ कर सकूं। देखिए इससे पहले ये काबिल जिक्र बात है कि डॉक्टर शाहिद जो है एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है और इनने जो उस वक्त भी जब एज ए ड्यूटी थी इनकी वो जो है काम करते रहे लोगों के और शायद इनको उस वक्त ये भी मालूम नहीं था कि एक वक्त आएगा मैं लोगों की खिदमत जो है पॉलिटिकल सेट में आकर भी करूंगा, ये एक। लेकिन आज जब उतरे तो और लोगों ने जो है काफी रेस्पॉन्स दिया, तो आप इससे जो है क्या भावना बढ़ी आपको जो लोगों का रेस्पॉन्स मिला आपको? देखो लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उससे मुझे और ज्यादा काम करने की भावना मिली है। मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा कि भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए जो भी मुझसे हो सके मैं वो करूंगा और हर वार्ड में करूंगा। इंशाल्लाह लोग मेरे साथ हैं, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं बाकी लोगों से भी कि वो मेरा साथ देंगे और हम पूरा भद्रवाह की डेवलपमेंट का ख्याल रखेंगे। हमने जो प्री पोल है ये पोस्ट को जो हमने डिस्कस किया था उसमें जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमें ये फीडबैक मिला था कुछ लोगों का कि डॉक्टर साहब जो है इंडिविजुअल जो है वो फ्रंट पर आते तो उनका ये भी इंडाइट में कहना था कि जो कुछ कैंपेनर जो थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं वार्ड में लूज करेंगे, ऐसा देखने को भी मिला है। लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ में, हमने जो पहले कहा था दोनों हाथ में इसका लड्डू है, तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो है कयास आ रही की जा रही है बुधरा में एक बात चल रही है कि डॉक्टर साहब जो है अनकंडीशनल सपोर्ट लेकर जो है वो प्रेजिडेंटशिप पर विराजमान हो जाएंगे और जो खिदमत के, आपके क्या ख्याल है इस बारे में? देखें इसमें मेरा ये ख्याल है कि मैं अभी अपनी पार्टी के जितने भी लोग जीते हैं उनसे मीटिंग करूंगा, अभी उनकी राय लेके फिर हम अपना डिसीजन देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं और इंडिपेंडेंटली आगे भी रहूंगा। मेरे साथ जो भी जुड़ना चाहेगा वो जुड़ सकता है, चाहे वो एनसी का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। हमारा मकसद सिर्फ भद्रवाह की खिदमत करना है, भद्रवाह के लिए डेवलपमेंट का काम करना है। हमारे साथ जो भी मिलना चाहेगा वो मिल सकता है। डॉक्टर साहब अभी एमएलए बुधरा ने जो है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं उन्हें जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारे कमांड से बिल्कुल रब्ता बनाए हुए हम अनकंडीशनल हो सके अनकंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार है, तो इसमें मतलब क्या कहेंगे आप? बस मैंने जो पहले भी कहा ना कि मेरे अभी वर्क जो जीते हुए कैंडिडेट्स आ रहे हैं हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन दे देंगे। देखिए इसमें ये एक बात सामने आती है कि डॉक्टर साहब ने पहले ही वादा किया था कि मेरा बरह रास्त जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रब्ता नहीं है, बल्कि वक्तन फौक्तन जो है उनको जो अच्छा कैंडिडेट लगा उनकी जो है उन्होंने सपोर्ट की। और आज जो है इस वक्त डॉक्टर साहब के सामने जो है ऑप्शन आ रहा है इस वक्त जैसे उन्हें कहा था कि गुजरात के लोगों की जो है खिदमत के लिए जो है मैं मैदान में उतरा हूं और इस वक्त मौका है डॉक्टर साहब को कि वो जो है कोई भी विंग की सपोर्ट लेकर जो है वो मकसद जब बुधा की खिदमत करना है चाहे वो कोई भी पार्टी करे, क्योंकि पॉलिटिकल सेक्शन में जो है पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी होती है उनका एक ही नजरिया होता है, लोगों का जो है थोड़ा सा नजरिया डिफरेंट होता है। ऐसे में जो है बेहतर डॉक्टर साहब के लिए यही रहेगा जो भी इनको जो है समर्थन दे चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी कैंडिडेट हो इस वक्त हो उनको समर्थन लेना चाहे और बुधरा की आवाम के लिए की खिदमत के लिए जो है वो सामने आना चाहे, क्योंकि बुधरा की आवाम जो है काफी अरसे से देखा गया
प्यासी थी, वही एक रिजल्ट है कि एक बड़े जो है वो कैंप को जो है कैंप से जो है ना चार सीटें जो है वो निकालने में कामयाब हो गए डॉक्टर साहब। ये बहुत बड़ी कामयाबी डॉक्टर साहब ने, बुधरा के लोगों का भी शुक्रिया, हम डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया करेंगे और उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब बहुत जल्द जो है कोई फैसला लेंगे अपने जो है कैंडिडेट से मिलकर बुधरा के लोगों की खिदमत के लिए। शुक्रिया आप सबका, आपने यहाँ आने की तकलीफ की और मेरे जो भी मेरे जहन में था वो मैंने आपको बता दिया है। मैं करता हूँ थोड़ी देर में, हम पूरा ऐलान कर देंगे कि हम किस पार्टी के साथ रहेंगे, मतलब कौन सी पार्टी की सपोर्ट लेंगे। भद्रवाह के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट ले सकता हूँ। लोगों को मेरे पे यकीन है और मैं उनका यकीन टूटने नहीं दूंगा। बिल्कुल, बात यही है कि लोगों को भी चाहे कि पॉलिटिकल विजन लेकर जो है वक्त की नजाकत को देकर जो है डॉक्टर साहब को भी चाहे और बुधरा के लोगों को चाहे जो भी फैसला आ जाए उसका समर्थन करे और बुधरा की तमाम तरक्की के लिए जो है डॉक्टर साहब को हाथ में मजबूत करे जैसे उन्होंने करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा।